नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मोदी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से वो क्या लेकर आए हैं हमें नहीं बताया। भाई, एक आदमी को आप किसी काम से भेजो, वो जाए तो लौट के उसको बताना चाहिए ना कि भाई हम किस काम से गए थे, वहाँ क्या हुआ, सामने वाला मिला नहीं मिला, हमारी क्या बातचीत हुई थी। भैया, इस देश के पैसे खर्च हुए ना, इतना महंगा हवाई जहाज, उसके पैसे में पता नहीं कितनी बार आप चांद पे आ जा सकते हो, वो लेके आप गए हो वहाँ पे, तो आपकी क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, कुछ तो होना चाहिए ना। मीडिया में कोई ढंग की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कुछ पता चले, ना विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है, ना स्वयं मोदी जी ने बताया है, तो क्या माने हम, वहाँ क्या हुआ, हम जाके लौट के आ गए क्या, एक कार्यक्रम में गए थे हिस्सा लेके आ गए क्या, भारत के हितों पे क्या बात हुई। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें इस देश का जो आम गरीब गुरबा है उसकी कीमत पर होती हैं, उसके पैसे से ये सारे के सारी चीज़ें चलती हैं, कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो G20 चल रहा हो या ये वहाँ जो ब्रिक्स के सम्मेलन में गए थे वहाँ गए हों, उसमें कॉस्ट आती है। और वो कॉस्ट उसमें पहला किसका है, इस देश के आम आदमी का है। तो अब हम समझेंगे, हम भी पता लगाते हैं भाई क्या हुआ, तो वहां क्या हुआ, मोदी जी लौटने के बाद चुप चुप गुमसुम से क्यों हैं, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको कि G20 में क्या हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया क्या कह रहा है कि G20 में भारत का कैसा सत्कार हुआ, चीन का कैसा हुआ, किसका कैसा हुआ, और क्या विश्व गुरु का जो बुलंद था झंडा उसमें कुछ फर्क आया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। चीन में क्या हुआ, हमें बताया गया कि मोदी जी की शी जिनपिंग से बातचीत हो गई, चीन के राष्ट्रपति से, अच्छी बात है। हमें यह भी खबर मिली कि बॉर्डर पे तनाव कम करने के लिए दोनों लोग सहमत हो गए, अच्छी बात है। सेनाओं को वहां से पीछे खिसकाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी दोनों सहमत हो गए, ताकि बॉर्डर पे टेंशन कम हो, तनाव कम हो, यह हमको खबर आई, अच्छी बात है। उसके बाद में एक बयान आया विदेश मंत्रालय कि चीन के आग्रह पर यह मीटिंग हुई थी, उनका पुराना एक पेंडिंग आग्रह था, चीन का खंडन आ गया, बोले भाई साहब हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, आपने कहा था बात कर लो तो हमने कर ली, मोदी जी ने कहा तो बात हो गई। तो जो भी वजह रहा हो, डिप्लोमेसी में इन सब चीज़ों का भी कोई बहुत मतलब होता है और ये मैसेज जाता है कि किसकी अटकी है, ये भी दुनिया को बताने की कोशिश करते। तो हमारा देश कह रहा है चलो वही, उसी ने, चीन ने ही कहा होगा बातचीत कर रहे होगा, और मोदी जी ने कहा होगा ठीक है बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक आप पीछे नहीं हटते, ऐसे करके कर दिया होगा, आंख भी दिखा दी होगी लाल, मान लिया। तो बातचीत हुई कैसे, तो पता चला बातचीत जो है वो ऐसे अलग से फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है, चलते फिरते मिल लिए। कैसे, बोले वहां पे एक फंक्शन में सारे नेता साइड में बैठ के बातचीत बैठे हुए थे, तो वहीं पे एक कोने में चले गए सोफे पे, उन्होंने बात कर ली। लेकिन जो तस्वीर वायरल हुई है, जो तस्वीर रिलीज की है ANI ने, ANI मतलब भारत सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी आधिकारिक एक तरह से देखा जाए तो एजेंसी की प्रतिष्ठा हो गई है उसकी, उसके ऊपर कई तरह के आरोप उस तरह से लगते रहते हैं। खैर, अब वहां पे क्या हो रहा है कि दोनों लोग मंच पे बैठने के लिए जैसे जाते हैं ना, जैसे 6 लोग बैठे हुए हैं लाइन से मंच पे, तो बैठने के लिए पीछे से जब लोग निकल के आ रहे हैं तो उसमें मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों कुछ बतिया रहे हैं। अब वो ना उनके दाहिने कोई है ना बाएं कोई है, ना उनको कुछ समझाने वाला कोई है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, वो शी जिनपिंग को चीनी के अलावा कुछ आती नहीं, और मोदी जी को भी हिंदी के अलावा मान लीजिए अंग्रेजी भी आती है, चलिए अब जो भी अंग्रेजी बोलते हैं उसमें विवाद है, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं उनको नहीं आती, मान लेते हैं आती है, लेकिन इनको चीनी नहीं आती। अब ये क्या गपड़ सपड़ बातचीत कर रहे थे भगवान जाने दोनों जने, क्योंकि ना तो कोई आसपास एक इंटरप्रेटर होता है ना जो आपको अनुवाद करता रहता है, या कहीं कोई आपके कान वान में मशीन लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बातचीत इनफॉर्मल थी, चलते चलते आप मिल लिए थे, ऐसा तो नहीं हर वक्त कि आपके कान में एक मशीन लगी और कोई आपको डायरेक्ट कर रहा हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कम से कम प्रधानमंत्री के मामले में। तो जो बातचीत हुई ये हुई। अब मसला ये है कि जो वहां से रिपोर्ट निकल के आई उसमें भारत का झंडा कैसे ऊपर था, इसको भी समझना जरूरी है कि भाई वहां पे चलो ठीक है बातचीत नहीं हो पाई कोई बात नहीं, और बात यह भी है कि सीमाओं से अगर आप सेना को पीछे ले रहे हो तो
पीछे लेने का स्टेटस क्या हुआ 2020 में, जो हमारे आदमियों की हत्या कर दी थी, और वहां पे जब तक हम वहां थे क्या वहां तक हम वापस जाएंगे, पुरानी स्थिति होगी, या चीन आया वो हमारे घर में घुस गया, हमारे कमरे पे कब्जा कर लिया, उधर उसके आदमी बैठे हुए हैं, उधर हमारे आदमी बैठे हुए हैं, किसी भी पल गोली चल सकती है। अब बोले भाई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होगा, हम भी कमरे से दो आदमी वापस बुला ले रहे हैं, आप भी वापस बुला लो। कमरा किसके पास रहेगा भाई? जो जमीन है हमारी, वो जमीन हमको वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या बातचीत हुई आपकी? 19 दौर की बातचीत आप पहले भी कर चुके हैं। इस बातचीत के बाद में क्या चीन हमारी भूमि को, जो उसने कब्जा किया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कहती है उसने कब्जा किया हुआ है, संसद में भले कह दिया हो ना कोई घुसा ना किसी ने कब्जा किया ना कुछ हुआ है बाद में, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें सब दिख रहा है। पहले संसद में बोला था कोई नहीं घुसा, अब उनके लोगों ने, चीन वालों ने भी कहना शुरू कर दिया था कोई नहीं घुसा है, आपके आप ही के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप ही की सरकार कह रही है। लेकिन अब बातचीत हो रही है कि साहब हम टेंशन कम करें सीना पे, अभी भी ये बातचीत नहीं हो रही है कि उस इलाके को वो छोड़ देगा, वहां पे उसने बस्तियां बसा ली हैं। खैर ये तो हुई स्थिति, भारत को क्या मिला? तो भारत को क्या मिला आप समझ गए। अब मोदी जी का जो आदर सत्कार वहां दक्षिण अफ्रीका की तरफ से होना था उसमें क्या हुआ, वो तो आपने वायरल तस्वीर देख ली होगी कि मोदी जी उतरने को ही तैयार नहीं थे विमान से, ऐसा किसी अखबार ने वहां के छापा है, और इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि मोदी जी जो है उनको लेने के लिए कोई ढंग का आदमी आया नहीं था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह है कि उनको लेने के लिए वहां का उपराष्ट्रपति आया था। इसमें दो मत हैं, एक मत यह है कि मोदी जी के रूठने के बाद में आया प्रतिक्रिया में, और एक मान लो कि भाई रूठे बिल्कुल नहीं आ ही गया, जब तक वो नहीं आया था मोदी जी अपना जहाज में इंतजार कर रहे थे आ जाएंगे तो हम उतर जाएंगे, लेकिन मीडिया ने ऐसा नहीं छापा है वहां का। खैर इतना तो दे देते हैं ग्रेस। अब दिक्कत ये हुई है कि वहां पे जो चीन की पूछ हुई है वो हमारी क्यों नहीं हुई भाई? वो अगर इन पांच देशों में, अगर वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हम भी तो पांचवी हैं, तो चीन की क्या पूछ हुई है ये फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है, वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट अखबार है, और उसकी रिपोर्ट जो हैं वो अक्सर बहुत क्रेडिबल होती है, उसकी एक गंभीर इमेज है। उसने लिखा है कि वो जो वहाँ के काइरिल रामपोसा है वहाँ के राष्ट्रपति, वो चीन के पूरे दबाव में थे। कैसे दबाव में थे? वो खुद लेने के लिए शी जिनपिंग को पहुँचे, ठीक है साहब, उसका हवाई जहाज आने से पहले पहुँच के खड़े हो गया था वहाँ का राष्ट्रपति, आएंगे आएंगे जो मेजबान है उनकी आवभगत कर रहा है। इसके अलावा उसने वहां जाके ना उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, इसके साथ साथ उनको एक सम्मान भी दिया गया, ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब तो लोगों ने वे सम्मान बना लिए हैं कि भैया ये लोग जो आते हैं इनको इनको पर्सनल तौर पे ऑब्लाइज करना है तो इनको सम्मान दे दो। मोदी जी भी अभी गए थे तो उनको मिल गया, उनको मिलते रहते, सब एक दूसरे को देते रहते हैं। खैर वो उतना मायने ही रखता है, लेकिन शी जिनपिंग जो है उसमें उसमें जिक्र किया है कि इवन इंडियाज नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ द सेकेंड बिगेस्ट ब्रिक्स इकोनॉमी वॉज ग्रीटेड बाई रामपोसा डिप्टी नॉट बाई हिमसेल्फ। इसके अलावा शी की जो इंपॉर्टेंस है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे एक बिजनेस समिट होना था, बिजनेस वालों का समिट। उसमें क्या होता है भाई, यहाँ से अडानी साहब हैं, अंबानी जी हैं, बहुत सारे उद्योगपति मोदी जी ले जाते हैं, उधर से अलग अलग देश के लोग लेके आते हैं, फिर वहां पे बिजनेस डील होती है। तो उस बिजनेस डील में शी जिनपिंग आई नहीं, टेंशन हो गई भाई साहब वहां पे, बड़ी एंग्जाइटी है, सबको लग रहा था शी जिनपिंग आएंगे तो हमको बिजनेस में कुछ फायदा मिलेगा, सबको उम्मीद चाइना से ही थी। उसकी वजह है जो हमारे जो जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है जितने हमारे बिजनेसमैन है ना इन सबको एक बड़ी खराब आदत लग गई है, जितने भी मतलब ज्यादातर को, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं चीन से मंगा लूंगा, चीनी माल सस्ता मिलता है। आप सीलिंग पेन खरीदने जाओ, पहले भारत में इतने अच्छे से सीलिंग पेन बनते, अब क्या हो रहा है, चीन से मंगाया ठप्पा लगाया बेच दिया। टीवी ज्यादातर चीन से मंगाओ ठप्पा, हर चीज, अरे और सरकार भी, जैसे चाइनीज सीलिंग फैन जो आता था उसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी, चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट पर रोक लगा दी, अब वो आ रहे हैं लेकिन लालाजियों की भी तिजोरी भर के जा रहे हैं। तो जितना माल आ रहा है उसमें आप पता ही नहीं कर सकते कौन सा चाइना का है कौन सा भारत में बना हुआ है, और अब तो ये जो मेक इन इंडिया के नाम पे असेंबलिंग का भी खेल शुरू हो गया है कि पंखे की पंखुड़ी वहां से मंगा ली और यहां फिट कर दी या उसकी डंडी यहां लगा दी, हो गया इंडियन,
तो ये सब लोग जो है ना, जब इनको पता है कि हमको इसी से धंधा करना है, तो इनके लिए चीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन से आएगा सामान तो मैं बेचूंगा, माल कमाऊंगा। तो वहां पे ये मान रहे हैं कि उसने अच्छे इवेंट में, इवेंट के अंदर अगर शी जिनपिंग नहीं आए तो समझो इवेंट खराब हो गया। भाई मोदी जी भी तो गए थे, हमारे यहां भी तो कुछ लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा मतलब लोगों को लगा कि अब तो यात्रा ही खराब हो गई। उसके बाद में एक बहुत हुआ, इवेंट हुआ, डिनर हुआ, लेकिन वो बात जो थी ऐसा होता है ना, इवेंट होता है कि डिनर होता है, डिनर में फिर एक आदमी दूसरे के बगल में खड़ा हो जाता है, भाई साहब आपकी इंडस्ट्री क्या कर रही है यार, हमारा 2000 करोड़ का, हम ऐसा दे देंगे वैसा कर लेंगे, हम ये बिजनेस कर लेते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं लोग। खैर, सबसे ज़्यादा जो बड़ा एविडेंस माना जा रहा है शी जिनपिंग के पावरफुल होने का, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्रिटेन, इंडिया, नहीं ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। बी से ब्राजील हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है 5 मेंबर थे। अब भाई साहब उसने ये पूरा ब्रिक्स समिट जो था उसको अपने कब्जे में ले लिया एक तरह से, और इस बात पे सहमति हो गई है चीन के कहने पे, सब मानने को मजबूर हो गए। और वो ये है, इससे उसकी इंपॉर्टेंस दिखती है कि उसने इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई को भी इसमें शामिल कर लिया है। और ये शी का प्लान जो है ये बताता है कि अमेरिका की जो डोमिनेंस थी ना उसके मुकाबले अब G7 के मुकाबले ब्रिक्स को तैयार कर रहा है वो, यानी तुम्हारा G7 है तो ब्रिक्स में हमारे देश होंगे, चाइना की डोमिनेंस में ये देश हमारे साथ हैं। अब जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये तो चाइना की विजय, विक्ट्री है। और इसका फर्क आप समझिए, इसमें उसने ऐसे छोटे देशों को भी शामिल कर लिया, अफ्रीका का सबसे छोटा देश इनके ग्रुप में आ गया। क्यों? इसलिए आ गया कि चीन का वो सबसे बड़ा कर्जदार है, तो वो एक ऐसा मोहरा रहेगा जो सऊदी अरेबिया से उसने ताज़ा ताज़ा दोस्ती की, आप सोचिए अमेरिका के खेमे में था। तो उस पूरी सिचुएशन के बीच में ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा एक बड़ा नेटवर्क है। उसके अंदर देखिए सब सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनली अमेरिका का और पश्चिम का मिलिट्री अलाई है, उसका मिलिट्री गठबंधन है। इसके अलावा IMF के सबसे बड़े जो कर्ज लेने वाले हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट हैं, और ये इसके साथ साथ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये सब लोग मिलके सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप बना लेंगे, जिसके बारे में माना जा रहा है कि अब वेस्ट को चुनौती मिलने वाली है। अब वेस्ट को चुनौती पता नहीं अभी तक कोई दे पाया ना दे पाया, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, उनका अपना एक सेटअप बना हुआ अमेरिका ने, उसके बाहर निकलना असंभव है। लेकिन फिर भी, लेकिन हमारा निचोड़ ये है कि चीन को इतनी पूछ क्यों मिल रही है, ये सारी बातें हैं। और साउथ अफ्रीका ने इस पूरे ब्रिक्स से कुछ हासिल कर लिया। देखिए चीन के साथ में हमारी जो व्यापारिक संबंध हैं उसका उदाहरण आज हमारे देश के कुछ वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही थी वहाँ पे दिल्ली में, और बातों बातों में हमारे पीयूष गोयल ने पूछ लिया चीनी विदेश मंत्री, भैया ऐसा क्या करते हो, सस्ते में माल बेच देते हो, इतना सस्ता कैसे बेच लेते हो आप? वो शर्मा गई, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन एक जवाब आया वहाँ से। वो जवाब आया कोई बात नहीं आपको, और इन्होंने ये भी पीयूष गोयल ने सफाई दी कि नहीं हमारा आपसे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, आपसे यहाँ से हम बहुत सारा माल मंगाते हैं, हम जरा सा माल आपको बेचते हैं। उसने कहा आप भी बड़े अच्छे उद्योग और व्यापार मंत्री हो, और देखो आपका भले ही चाइना से आपका ट्रेड डेफिसिट हो लेकिन बाकी जगह तो आपका सरप्लस भी है, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक चीज़ आपको पता चली, वो बातचीत में ये चीज़ पता चली है कि हम चीन से अंधाधुंध सामान मंगाते हैं, उसको बेचते कम हो। ये समस्या तो दक्षिण अफ्रीका के साथ भी है, लेकिन चीन ने जो वहाँ के राष्ट्रपति रामपोसा है उनको शीने को वो दे दिया कि हम ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, जो पिछले बार $10 बिलियन से ज़्यादा था, $10 अरब से ज़्यादा, यानी साउथ अफ्रीका $10 अरब का सामान चीन को कम भेजता है, चीन से ज़्यादा मंगाता है। तो ये तो फ़ायदा उठा लिया उसने,
और शी ने कह दिया ठीक है हम कम करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, वो दक्षिण अफ्रीका का और भी बहुत सारा सामान चीन खरीदेगा। भैया हमारे भी ट्रेड संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा समझौता है, हमारा कितना सीमा पे तनाव हो, हम आपके साथ में व्यापार करते रहेंगे, तो क्या हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई हमारा कुछ सामान भी चीन जाना चाहिए। हम लगातार इतना चीन से सामान मंगा रहे हैं उस डेफिसिट को कम करने के लिए, प्रतिबंध लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम इस मोबाइल पे कर देंगे उस पे कर देंगे, उसे क्या हुआ WTO चले जाते हैं, वो फिर नुकसान होता है। खैर बहरहाल जो है इसने सीधी सी बात ये है कि जितनी चीज़ें सामने निकल आई हैं वो ये कह रही हैं कि ब्रिक्स समिट में चीन का बोलबाला रहा, शी जिनपिंग का जलवा रहा, जितने उसने पूरे ब्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज करा लिया, जिन जिन देशों को अपने खास देशों को शामिल करना चाहता था वो कर लिया, मेजबान उसके पीछे पीछे घूमता रहा और पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी सलाम करती घूम रही थी। और हमारी अपनी सरकार वहाँ क्या करके आई है बताने को तैयार है, उन्होंने जो किया है उसका गाना दुनिया गा रही है, बड़े बड़े देश बोल रहे हैं कि वो ये करके गए हैं, ये करके गए हैं, उन्होंने ये कमाल किया है, वो कमाल किया है। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी है ना भाई, फाइनेंशियल टाइम्स जैसा दुनिया का नंबर वन अखबार मान लीजिए फाइनेंस का, वो ये बातें लिख रहा है और हमारी सरकार अपने देश के लोगों को नहीं बता रही, तो क्या हुआ भैया? फूफा जी को वहाँ ठीक ठाक सम्मान नहीं मिला, क्या नहीं मिला? वो मिलने के पैसे बोलते मिलते ना बारात में, वो नहीं मिले, क्या हुआ? रूठ के आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जितनी बातें बताई गई हैं कि ये चीन से बातचीत हुई है, वो बातें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बातें हुई हैं और उन बातों का निचोड़ क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।